सूबे की योगी सरकार चाहे जीरो टॉलरेंस के लाख वादे कर ले, लेकिन पुलिस महकमे में रिश्वत नाम की बीमारी कभी नहीं जाने वाली है। ताज़ा मामला कुशीनगर जिले का है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। मामला कुशीनगर जिले का है, जहां एक थाने के दीवान गाड़ी छोड़ने के एवज में 3,000 रुपये मांग रहे हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, मामला कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाने का है, जहां थाने के दीवान एक आदमी से गाड़ी छोड़ने के एवज में 3,000 रुपये मांगते हुए देखे जा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराजगंज जिले के बिसोखोर निवासी संजय किसी कार्यवश कुशीनगर जिले के पनियावां आए हुए थे। वापस जाते समय अधूरे कागजात का हवाला देते हुए पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को हनुमानगंज थाने पर रोक लिया। अगले दिन जब संजय अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए थाने पर आए, तो थाने के दीवान राजेश यादव ने गाड़ी छोड़ने के एवज में 3,000 रुपये की डिमांड की। लेकिन साहब को कहां पता था कि कोई तीसरी आंख उनके ऊपर नज़र बनाए हुए है। रिश्वत मांगते समय किसी ने दीवान का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। संजय ने दीवान राजेश यादव से अपनी गरीबी का हवाला दिया, लेकिन दीवान ने बिना पैसे गाड़ी नहीं छोड़ने की बात कही। संजय ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए उसे 2,000 रुपये दे रहे थे, लेकिन दीवान 3,000 रुपयों से कम पर बात मानने के लिए तैयार नहीं था। दीवान ने यहाँ तक कहा कि गाड़ी को थाने में ही छोड़ दूंगा, सड़ जाएगी, अदालत जाओगे तो 10,000 रुपये लगेंगे। संजय ने काफ़ी मान मनुहार की, लेकिन साहब 3,000 रुपयों से नीचे गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं थे। किसी तरह मान मनोबल करने के बाद साहब ने 2,000 रुपयों पर आने और गाड़ी छोड़ दी। तब तक दीवान साहब का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। दीवान ने 2,000 रुपये लेकर संजय की गाड़ी छोड़ दी। दीवान राजेश यादव को यह नहीं पता था कि रिश्वत लेते हुए उनकी वीडियो शूट हो गई है और वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।